रख हौसलों में दम, वो मंजर भी आएगा, तुझे तेरे नाम से नहीं तेरे कर्मों से जाना जाएगा। प्रिय मित्रों, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, पर जीतता वही है जो डरता नहीं है। प्रिय मित्रों, आपने देखा होगा या सुना होगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी मिशन में निकलता है तो वह अपने कर्तव्य मार्ग पर अडिग रहता है। वह अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं और रुकावटों को चुटकियों में हल कर लेता है, क्योंकि वह अपने इरादों में अटल है, वह सफलता के लिए भूखा है। उसी प्रकार विद्यार्थी का जीवन भी है, जो जीवन की प्रत्येक अवस्था में अनेक बाधाओं का सामना करता है। विद्यार्थी को उसका परिवार, पड़ोसी, मित्र, वातावरण, ऐसे ना जाने कितने अनेकों घटक हैं जो प्रभावित करते हैं, पर वही विद्यार्थी सफल होता है जो इन बाधाओं से डरता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। हमारे ऐसे अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हीरो हैं जो हमें सभी कार्य करने के लिए मोटिवेट करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो किसी समय चाय का व्यापार करते थे, आज वह भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। अब्राहम लिंकन जी, जो इतनी गरीबी से पढ़कर आए और जिनके घर में लाइट की व्यवस्था ना होने के कारण वह रोड़ों में लगे खम्भों या पोलों के नीचे पढ़ा करते थे और वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पैर रेल दुर्घटना में कट गया, पर अरुणिमा सिन्हा जी ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने कृत्रिम पैर लगाकर भारत ही नहीं विश्व की अनेक ऊंची से ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा लहराया। ये सभी ऐसे ही महान नहीं बने, ये अपने दृढ़ संकल्प और दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने के जुनून के कारण आज उच्चतम शिखर पर हैं। विद्यार्थी को कभी भी अपनी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि असफलता से कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विद्यार्थी को इन महान व्यक्ति से सीखकर अपने जीवन में डटे रहना, ऐसे गुण और सफलता प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वही विद्यार्थी सफल होता है जो शांत स्वभाव से अपने कार्य करता है। क्योंकि कहा गया है, कॉइन्स ऑलवेज मेक साउंड्स बट पेपर मनी आर ऑलवेज साइलेंट, सो व्हेन योर वैल्यू इंक्रीज कीप योर सेल्फ साइलेंट एंड हम्बल। अर्थात सिक्के हमेशा आवाज करते हैं पर नोट हमेशा शांत रहती हैं। तो विद्यार्थी के लिए कहा गया है कि सिक्के जैसे आवाज ना करिए, बल्कि आप पेपर मनी जैसे साइलेंट रहिए, जिससे आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी और अपने आप को नम्र भाव में और शांत भाव में बनाए रखिए। धन्यवाद।